स्वाद में अगर ट्रेडिशन का तड़का लग जाए ना तो खाना और भी लजीज हो जाए, मानते हैं ना बात। इसीलिए रजवाड़ी रसोई स्पेशल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं रजवाड़ी स्टाइल, एकदम घर पर ही बना सकते हैं आप टेस्टी स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्जी। जी हाँ, कैसे बनाएंगे रेसिपी आपको बताएंगे पूरी की पूरी, लेकिन हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि राजस्थान का जायका आपकी जबान से कभी ना उतरे। दोस्तों, मटर पनीर बनाने के लिए यहां पर हमने लिया है 200 ग्राम फ्रेश पनीर, दो टमाटर जिसको हमने ग्रेट कर लिया है और एक अनियन जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर 100 ग्राम फ्रेश मटर और यहाँ पे हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग से ले सकते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है गैस पर और यहाँ पर डाल दिए हैं 4 बड़े टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। याद रखिए, गैस का फ्लेम लो मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए। जब आपका तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे 2 बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता, जी हाँ, और साथ ही हम इसमें डालेंगे जीरा और राई। 1 चम्मच हमने इसमें डालना है जीरा और राई और इसको अच्छे से भूनना है जब तक ये जीरा और राई चटक ना जाए। जी हाँ, इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी गैस ज़्यादा तेज़ ना हो। अब हम डालेंगे बारीक चॉप्ड किया हुआ अनियन जो हमने लिया था, ये 1 प्याज है, आप चाहें तो 2 या अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और साथ ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था, आप इसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आपको बता देते हैं प्याज को पूरा पकाने का रीज़न, इसको पकाने के बाद इसमें प्याज लहसुन और अदरक की स्मेल नहीं रहती और इसका गोल्डन कलर होने का एक और तरीका है, जब तक कि इसमें से हल्का हल्का अरोमा आपकी नाक तक ना पहुंचने लगे तब तक मत समझिए कि ये पूरी तरह से भुन चुका है। जी हाँ, इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें से गोल्डन ब्राउन और हल्की हल्की सौंधी सौंधी वही ना लजीज वाली खुशबू ना आने लगे। अब इस स्टेज पर पहुँच के आपको डालना है 2 टमाटर प्योरे, जी हाँ, जो हमने टमाटर की प्योरी बनाई थी ना जिसको हमने ग्रेट कर लिया था उसको यहाँ पर ऐड करना है। आप इसे तब तक भूनते रहें जब तक कि ये पूरी तरह से पक ना जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला पूरी तरह पक चुका है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें मसाले, तो चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन से मसाले आपको इसमें डालना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 3/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर यानी मिर्ची पाउडर एंड 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लिया है धनिया पाउडर और 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है काला नमक और 1 टेबल स्पून हमने यूज़ किया है कसूरी मेथी। अब इन सभी मसालों को हम डाल देंगे अपने मसाले में जो हमने इधर भून कर तैयार कर लिया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। इनको तब तक चलाना है जब तक कि ये पूरी तरह से भुन नहीं जाए और मसालों की रॉनेस है वो ख़त्म ना हो जाए और ये ऑयल है ना वो पक कर धीरे धीरे मसाले से अलग होने लगेगा, दैट द पॉइंट जहाँ पर आपका मसाला पूरी तरह पक जाए। दोस्तों, अब जब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है तो हमें इसमें ऐड करने हैं मटर, जी हाँ, और इन मटर को हमें अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देना है। आपको बता देते हैं मसाले में मटर देर में पकते हैं और मटर को पकने में वैसे भी टाइम लगता है, इसीलिए इनको पहले डाला है और इन्हें थोड़ा पकाया भी है। हम इसमें डाल रहे हैं 2 कप पानी, जी हाँ, आप भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितना पानी आपको चाहिए आप उतना पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें यूज़ किया है 2 कप पानी। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं ताकि मटर मुलायम हो जाएं, यानी कि हल्के नरम हो जाएं और हाँ, हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी और मटर दोनों पक चुके हैं और लग रहे हैं ना एकदम लजीज और शानदार। और इसमें ऐड करना है इस पॉइंट पर फ्रेश क्रीम, ये क्रीम हमने घर की बनी हुई यूज़ करी है, आप दूध के ऊपर लगने वाली मलाई को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप बाज़ार से ला कर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस पॉइंट पे हमें अपनी ग्रेवी को 2 या 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से पक चुकी है और इसका जो कलर है वो भी बहुत शानदार नज़र आ रहा है
और इसमें ऑयल भी है जो वो भी अच्छे से पक चुका है। अब हमारी ग्रेवी जब पक रही है तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे पिंच ऑफ गरम मसाला। इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर बना रहता है। और इसके बाद हमें ऐड करने हैं हमारे, जी हाँ एग्जैक्टली, मटर पनीर की सब्जी है तो हमारे कटा हुआ पनीर जो हमने क्यूब्स में पहले से काट के रखा हुआ था, और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देना है। और बस देखिए, झटपट बनने वाला 10 मिनट में ये पनीर हो चुका है बिल्कुल तैयार। जी हाँ, ये पनीर रेडी टू गो है। एग्जैक्टली, आप इसको डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना है, और इसको आप अब, जी हाँ, प्लेट में सर्व कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिश्तेदारों को खिला सकते हैं। और ये पनीर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, जल्दी बन जाता है, ढाबे स्टाइल पनीर ये है। आप घर पर ही बना सकते हैं अपने होम किचन में, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ते। और आप तो जानते ही, रजवाड़ी रसोई आपके लेकर के आता है झटपट अनकट वीडियोस, जहाँ पर आप इजी टू गो रेसिपी सीखते हैं और अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को खिलाते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें।